यो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेड स्क्वाड गेमर्स पे। तो आज मैं करने जा रहा हूँ रैंक पुश, तो मैं एक बार आपको अपनी रैंक दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी मैं हूँ डायमंड 2 पे और मुझे डायमंड 3 करना है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा प्लस नहीं चाहिए। बेसिकली क्या हुआ था, कुछ दिन पहले ही हमारा रैंक रीसेट हुआ है और हमने जल्दी जल्दी प्लस करके यहाँ तक आ चुके हैं। तो चलिए मैच स्टार्ट करते हैं ताकि हम दोबारा डायमंड 3 लगा सकें। तो लैप सेलेक्ट करते हैं और प्ले कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या मैप मिलेगा। ओ हॉट जोन का मैप मिला है, इसमें क्या बैन करें? आई थिंक इसमें हमें टिक या फिर ग्रूम बैन कर देना चाहिए, बहुत दिक्कत देगा। या एडगरी बैन करना ठीक रहेगा। हाँ सुनिए, हाँ लैरी लॉरी बैन कर देना चाहिए, ये बहुत दिक्कत देता है इस मैप में। वैसे तो मेरा प्लान बीवी लेने का है, क्योंकि अगर शॉर्ट रेंज होते हैं तो फिर मैं बीवी लेके काफ़ी अच्छा कर पाता हूँ। तो समझ नहीं आ रहा मुझे क्या लेना चाहिए, तो मैं बीवी ही पिक करूँगा अभी। नेक्स्ट पिक तो मेरे दोस्त की है, तो देखते हैं क्या करें, मेरा टीममेट क्या लेगा। स्टीव तो बेकार ऑप्शन, स्टीव के लिए कोई नहीं, चलो देखते हैं। मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है, मुझे सजेस्ट कर रहा है गैरिफ। नहीं मैं गैरिफ नहीं लूँगा, मेरे लिए गैरिफ एक बेकार ऑप्शन है। इसको क्या लेना चाहिए, क्या कुछ है नहीं अच्छा लेने के लिए। ईवी लियोन एम्बर सामने क्वालिटी गैरिफ। अब तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ मुझे क्या लेना चाहिए। आई थिंक मुझे ले लेना चाहिए सर्च, अगर मैं एक बार अपडेट हो जाता हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे टीममेट को ले लेना चाहिए जैसी शायद, या कोल्ट, कुछ भी चलेगा, जैसी कोल्ट कुछ भी। कोल्ट ज़्यादा लेवल का तो फ़ायदा ही फायदा है। मोटरिस से मुझे इतनी डरने की जरूरत नहीं है, पर हाँ मेरे कोल्ट टीममेट को डरने की जरूरत है मोटरिस से। अब जो होगा मैच में होगा देखा जाएगा, वैसे तो हमारे हारने के चांस लग रहे हैं, पर फिर भी चलते हैं मैच में देखते हैं क्या होगा। मैप देख लिया दोबारा से, स्टार्ट हो चुका है। मुझे गैरिफ साइड भी ले जाने के लिए। Hey, watch it. Search for the wind. मोटरिस ने बस सुपर रेस कर लिया, बढ़िया। अब मेरे पास सुपर है तो मेरे को थोड़ा फायदा होगा। अब कवर करो शांति से बैठ के, लोगों की नहीं डर, लोगों से नहीं डरना। मुझे हील करने दो भाई, मेरा अपडेट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब तो मैं गया, ओ भाई मरते मरते बचा हूँ भाई। एनिमी इतने ज़्यादा स्लो नहीं है, वरना बहुत चांस था हमारा हारने का, और ये जीत गए हैं। पहला राउंड निकाल लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट मैच। नेक्स्ट मैच भी स्टार्ट हो चुका है दोबारा से मैच में, मैं दोबारा से गैरिफ की तरफ से ही जाऊँगा जैसे पहले गया था। राउंड 2 चलते हैं, अच्छा खेले मेरे टीममेट, मेरी उम्मीदों से अच्छा। अबे एक हिट करो कोई मुझे। बढ़िया,
मोटर से ही कवर कर रहा है, स्टेट पहुंच चुका है, मैं भी जा रहा हूं जल्दी से। ये जब तक अपडेट नहीं होता ना थर्ड तक, तब तक बहुत दिक्कत है। एक बार थर्ड अपग्रेड हो जाता ना फिर तो कुछ सब बढ़िया हो जाता है। मुझे लास्ट की एक बुलेट चाहिए अपडेट के लिए। सेकंड अपडेट हो चुका हूँ, आके हॉट जोन ही कवर कर लेता हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा था। मुझे लग ही रहा था वो मेरे पर कूदेगा। और ये जीत चुके हैं पहला मैच। नॉक हुई मेरे, अच्छी खासी प्लस लगी है। आई थिंक बस एक लास्ट मैच और हमें वहाँ हो जाएगा। एक मैच और विनिंग चाहिए और हम हो जाएंगे डायमंड थर्ड। देखते हैं इस बार क्या मैप मिलता है हमको। छह बंदे आ गए हैं और मैप है बाउंटी का, ये वाला मैप। इस मैप पे मैं गैर कारल और वो जैकी बहुत यूज़ करता हूँ। और मुझे मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है मुझे बैन कर देना चाहिए इस मैप में ग्रूम को। कोई टिक भी बैन कर दे वो भी अच्छा रहेगा, मैं जैसी चूज करूँगा वैसे तो। पर अगर एनिमी ज़्यादा हेल्थ के नहीं हुए तो फिर मैं वो यूज़ करूँगा कारल। अब देखते हैं वो एनिमी की पिक पे डिपेंड है कि मैं क्या लूँगा। मेरा फर्स्ट टीममेट लियोन ले रहा है, इसको लियोन नहीं लेना चाहिए। एडगर, अब ठीक है एडगर एक सही ऑप्शन तो शायद है, शायद नहीं यार ग्रे नहीं लेना चाहिए तुझे। लियोन मेरे टीममेट को लेना चाहिए क्या? सुनाडे नहीं तो ये भी ले सकता है मिस्टर पी। अरे टीममेट वो हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए। दोबारा से लगाते हैं, इस बार देखते हैं क्या मैप मिलेगा हमको। जल्दी से मिलेगा गाइस। ये वाला मैप तो बहुत बेकार है भाई। इस मैप में मेरे अधिकतम चांस लूज के होते हैं और मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं हारूंगा। मेरे को इस मैप के लिए एक परफेक्ट ब्रॉलर नहीं मिला अभी तक। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस मैप में क्या लेना चाहिए जो बहुत काम का हो। फर्स्टली मैं एडगर बैन कर देता हूँ क्योंकि वो सुपर बना के सब मेरे टीममेट्स को मार सकता है। वैसे तो मैं भी फेंग ही लेना चाह रहा था पर ये ले रहा था, कोई दिक्कत नहीं, मैं स्पाइक ले लूँगा। मेरे टीममेट ने फेंग ले लिया है। मेरे सेटिंग टीममेट के पास पोको अच्छे लेवल का नहीं होने से पोको से जगह एक सेकेंड के पास सैंडी अच्छे लेवल का, सैंडी भी अच्छे लेवल का नहीं है। कोल्ट को मारने के लिए ठीक रहेगा, क्या ले सकता है कोल्ट को मारने के लिए? नहीं मोटर्स नहीं, डायनामाइक या फिर बो। हाँ बो इसके लिए ठीक रहेगा, अगर ये बो ले ले तो उसको बो ले लेना चाहिए। इसको स्पाइक ले दे। मेरे लिए क्या ठीक रहेगा? इन दोनों को मारने के लिए आई थिंक मुझे ले लेना चाहिए गैरिफ को। हाँ ठीक रहेगा गैरिफ। और एनिमी का तीसरा प्लेयर क्या लेगा? बस वो ग्रूम और टिक जैसा कुछ ना ले वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। सैंडी हो गई दिक्कत। मेरे एबिलिटीज तो मैंने ठीक लगा रखी है, मुझे क्या क्या लेना चाहिए सब ठीक है। टीममेट्स को अपना देखेंगे हमें। अच्छा सैंडी की दिक्कत है, सैंडी से अगर मैं रेंज में ना कहीं लड़ूँ तो ही बेहतर होगा मेरे लिए। सैंडी का सुपर हम तीनों को बहुत दिक्कत देगा। ज़्यादा ना सोच के सीधा गेम पर फोकस करते हैं, चलते हैं आगे। राउंड फर्स्ट स्टार्ट।
सैंडी मुझसे फाइट कर रहा है बताने के। You just had to refuse my final offer. Just take it up with my accountant. मैं मर चुका हूँ पर उम्मीद है मेरे टीममेट कवर करते रहेंगे। मुझे जाने की जरूरत पड़ी गई। भाई क्या बचा ये बंदा? अच्छा मैं तो इन्हें दिखूंगा ना। अबे यार मैं सोचा सुपर में मैं भी गायब हूँ। गाइस हमारा हारने का चांस बनता जा रहा है। मेरे टीममेट घुस नहीं पा रहे। टैंक क्या कर रहा है? सुपर यूज करना जा मार। काशी फैंग मेरे पास होता ये नहीं लेता तो फैंग मैं ही लेता। ये फैंग का वैसे यूज नहीं कर पा रहा जैसे इसे करना चाहिए। फर्स्ट राउंड तो हार चुके हैं। बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ। कोशिश करेंगे मैं जीत जाए ताकि अगला भी जीत सके। इस बार मैं जाऊंगा शेल्टर को ओल्ड को शेल्टर देने के लिए। ये अच्छा नहीं खेला। सैंडी अगर एक भी बार कवर करता है तो फिर हम हार जाएंगे। मुझे कवर करने से सैंडी को रोकना होगा। टैंक क्यों खड़ा है? मारना। टीममेट इतना बेकार खेल रहे हैं फिर क्या ही जीतेंगे हम लोग। अभी तक तो जीत ही रहे हैं। आगे का कुछ पता नहीं। आगे कुछ हो सकता है। सेकंड राउंड निकाल लिया गाइस मैंने जैसे तैसे। टीममेट की भी हेल्प लगी इसमें बहुत। अब लास्ट एंड फाइनल जो डिसाइड करेगा कि मेरा डायमंड थर्ड होने वाला है नहीं। चलते हैं सीधा फिर दोबारा मैच में। 5% discount on selected items. और इस बार मुझे ये राउंड निकालना है जिस पर। Everything is fine. सही है सही है सही है। अच्छा खेल रहा है। अब ठीक है पोजीशन मिल गई है और कवर भी मिल गया। अच्छा खासा। एक बार फैन दोबारा अपना सुपर यूज कर।
एनिमी कवर कर रहे हैं इस बारी दोबारा से, जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा दोबारा। ओ भाई क्या गाइस हम जीत पाएंगे, मेरा डायमंड थर्ड होगा इस मैच में, देखते हैं भाई। बहुत संघर्ष करना पड़ा भाई, भाई अगर नहीं जीता तो बहुत दुख होगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ भाई। हो गया फाइनली फाइनली गाइस हमारा डायमंड थर्ड लग चुका है स्टार। ओ भाई 21 किल के साथ 1,60,000 का डैमेज, फाइनली डायमंड लग लग चुका है, देखते हैं रिवॉर्ड क्या मिलेगा हमको। और एक स्प्रे, हाँ अच्छा है। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली बार हम ट्राई करेंगे मिथिक लगाने का, तो तब तक के लिए बाय बाय।